नमस्कार नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत जनाऊँ आमर कार्यक्रम जार ना है ज्ञान गुरु सीजन टू। आपण मानक स्वागत जनाऊँ मु हेली श्रीतम दास। आपण माने आमर सीजन वन को बहुत भलपाया देते सीजन को मध्य आपण माने बहुत भलपाया दौंस आमर कार्यक्रम को आपण माने इत्ते भलपाया दौंस जो ज्ञान आपण माने पाउछंती ता सहित आनंद मध्य बांटुछंती आनंद मध्य पाउछंती आमर कार्यक्रम दिन सरु राति सरु जन फेरु तारा फेरु किंतु जहा केबे फेरे ना कि केबे सरे ना ता होची आमर ज्ञान गुरु। बंधुगण पूर्व अध्याय आपण माने देखिछंती आम सहित दि जन प्रतिजोगी आम सहित आगुक आसीछंती ए अध्याय को आसीछंती सी हेले संधारणी पटनायक खोर्धारु आसीछंती अनाम मल्लिक डेलांगुरु आसीछंती संध्याराणी पटनायक आपण माने समस्त जानिछंती दुईटी आंसर सठिक देइछंती आउ गोटे आंसर जदि ठीक देदेबे ताले आध्यात्मिक बही पाइबे आउ जदि तीनटी आंसर ठीक देदेबे ताले ज्ञानगुरुर उपाधि पाइबे। आउ अनाम मल्लिक अनाम सार मध्य अपेक्षा करछनि केते बेले संध्याराणी मैडम गोटे नोक जॉकेट गोटे भूल जदि हेइजिवो ताले आंसर टी तांको पाखु पळेबो एवं सीए तापर रैपिड फायर करिकि धड़ धड़ सब आंसर देकि सीए ज्ञानगुरु रो उपाधि मध्य पाई परिबे। एबे समय जानि उपाधि मध्य आपण पाई रेडी हेकि अछि आपण मध्य पाई परिबे ताले डेरी आमे करिबानि। आम सहित महागुरु अच्छा सीए हूँ डॉक्टर शांतनु रथ तेरे ज्ञानर भंडार जितेबले मुख खोली दौंस ज्ञान ही ज्ञान खाली हो बाहरी पड़ी बहुत ज्ञानी लोकों सहित मुझे किंतु ज्ञान बांटिले सी हूँ बढ़े समस्ते कही था तो सार आपण पाखु मुझ देखिली सतरे आपड़ जो ज्ञान बांटुंट बहुत कथा शिखापी मिलूँ आध्यात्मिक कथा केते बढ़िया भाव में आप प्रांजल भाव में बुझे दौंस से कथा जिते शुणुची मो सहित दर्शक मैंने शुणुंट आमर जो मैंने आसी पार्टिसिपेंट मैंने शुणुंट से खुशी होने ज्ञान नहीं कि जाऊँ आमर टैगलाइन है आमर कथा है ज्ञान केबे सरे ना ज्ञान हूँ बढ़े से कथा को आधार करी आम परवर्ती अध्याय मानने आम अध्याय को आरंभ करवा आरंभ करने पूर्व आम संध्याराणी मैडम आम सहित दुईटा आंसर ठीक देखते एवं सीधा सड़क प्रश्न पचारे आम चेष्टा करवा आप रेडी अच्छा सत्यवती वेदव्यास कौन है पत्नी भाउज माँ भाई बो आपण समय आरंभ है भाभी कहतु अपसन आउ थे मुझे पढ़ी दौर पत्नी भाउज माँ भाई बो माँ हाँ शांतन सत्यवती विवाह करते मैंने भल पाई किए करते व्यासदेव जन्म होते से नौका विहार से सत्यवती विवाह करसदेव ना माँ आपण एत कथ जानते आप निजे कन्फिडेन्ट अच्छी मुझे लक करदे लक करदे अनम सर आप मन भितर कौन चलती कहत आंसर तो ठीक है मोर कह आवश्यक अच्छे आंसर ठीक है माने जे आपन को लागु छी कि टिके सुजा सुजा आंसर मु पचार दउ छी क्वेश्चन पचार दउ छी तथापि स्टैंडर्ड अछि नै एटा उड़ा होची बहुत बढ़िया कथाटा आपन कहिले कारण जो क्वेश्चन आमे पचार छु जदि ज्ञान अछि ताहले आपन आंसर देई पारु छथि जहार ज्ञान नथिबो ए आंसर होची कहिबा कष्टकर ना कोन कहउ छथि सर मान निश्चिंत भाव में एत सुंदर भाव में एत कन्फिडेन्टली जितेबाला हूँ संध्याराणी मैडम हूँ आंसर टी कही माँ कही तो निश्चिंत भाव में कह सत्यवती वेदव्यास राइट आंसर राइट आंसर माने आपण सठिक आंसर दे माने आपण तीन टी आंसर ठीक दे माने आपण आध्यात्मिक बही उपहार पाई सारी आध्यात्मिक बही उपहार पाइबार हकदार हो जाइ गुरुदेव निश्चित भाव आपण को मुखरु विषय दीपद शुणिया पाई तो मोर आग्रह अच्छी मुझे निजक अटक पारुनी महर्षि पराशर एवं सत्यवती तांकर मिलन गोटे द्वीप होता से
व्यासदेव गोटे अन्य ना हूँ कृष्णद्वैपायन कहा पराशर एवं सत्यवती जो मिलन ये गोटे दिव्य मिलन यहाँ परमात्मा इच्छा रु कारण व्यासदेव भली जड़े संतान आवश्यक थिला संसार रे कारण जी वेद सब विक्षिप्त हो पड़ा से वेद मंत्र मानक सब एठ से गोटे 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 सब एकाठी कर रूप जजु सा मथर्व एभली भाव विभाग कर संकलित कर गोटे कार्य थिला पुणी एत पुराण रचना करार आवश्यक था कारण वेद लोक मैंने बुझीपारे तेणु वेद को सरल भाव में पुराण रचना कर अष्टादश पुराण रचना कर ना वेद लोक पहुँचब कि वेद मान कौन वेदर अर्थ है ज्ञान वेद कहला आम भाव गोटे बही शास्त्र कौन हो वेदर आक्षरिक अर्थ है ज्ञान कितु वेदर जो ज्ञानटा था से ज्ञानटा जेहेतु लोकों पाखे पहुँची पार ना वेदव्यास भाई जड़े प्रज्ञादीप्त पुरुष जड़े ज्ञानी महापुरुष आवश्यकता थिला तेणु से ज्ञानी महापुरुष मध्यम वेद एवं पुराण रचना कर लोक मान ज्ञान प्रदीप्त करने परमात्मा इच्छा वेदव्यास सृष्टि से वेदव्यास को स्वयं भगवान बोली कहुए बहुत सुंदर संधारणी मैडम आपण तीनोटी प्रश्न तो उत्तर दे सारी मु भगवान पाखे प्रार्थना करी आउ दुईटी आंसर मध्य आपण सठिक दिंतु अनाम सार मध्य अपेक्षा करी को निश्चिंत भाव मु भी आशा करी अनाम साहू को पाखरे भी प्रश्न पहुँचु किंतु क्रम अनुसार तो प्रश्न जटिल हम एबे आपण चतुर्थ प्रश्न आपण प्रस्तुत अच्छा ताहले मोर प्रश्न बाण जदि जटिल हाँपी जाऊँगी सेटा मोर बाण को आस आख्या करुच्ची मोर प्रश्न बाण चतुर्थ प्रश्न बाण हूँ आपण भागवत कथा अनुजाई क्यों राजा को परीक्षा करने छद्मवेश इंद्र और अग्निदेवता आसी ऑप्शन हूँ राजा दशरथ राजा सौदास राजा शिवी राजा जजाति आपण टाइम आरंभ हो आउथर प्रश्न भागवत कथा अनुजाई क्यों राजा को परीक्षा करने छद्मवेश इंद्र अग्निदेवता आसी राजा दशरथ राजा सौदास राजा शिवी राजा जजाति राजा ए आंसर टी आपण बोधे भाविकी कौन डाउट डाउट रोचे देखा आंसर ठीक ना ना घरे बस देखुआ दर्शक मैंने चेष्टा कर आंसर टा ठीक ना ना से जानापी ना कौन जदि आप राजा सौदास कथा कही था ताहले सेटा ठीक है ना था जदि आप राजा जजाति कथा कही था जदि आप राजा जजाति कथा कही था ताहले आपण ठीक भी है ना था आप जो सीबी आंसर देले संपूर्ण भाव ठीक आंसर बेले बेले कौन हुए संधारणी मैडम आम हृदय जितेबाला जो कथाटा कहीदे बेले बेले से कथाटा हूँ लग जाए से कथाटा बेले बेले ठीक हो जाए शिवी विषय आप तो जानी ना तथापि आंसरटा आपण शिवी ठीक है कौन पर लगला कौन पर लगे तो गोटे बेले बेले लगे कौन ये आंसरटा मुझे कौन पर कह तो भितर गोटे लगे ये कौन पर लगला आपण को अनम सर परिवार रे किए किए सब अच्छा पर दी पु दी बो धर्मपत्नी अच्छा आ धर्मपत्नी आच्छा बो मान उत्साहित मुझे आप धर्मपत्नी को यू नमस्कार जनाऊँगी दी पु बो बहुत दीज उत्साहित कर आपण पाखक प्रश्न एपर्तंत गलानी आपण को कष्ट निश्चिंत भाव लगुँ कष्ट ज्ञान अच्छे पाखे आम आम काटिपर के मैडम घर अच्छे ज्ञान
नहीं आपण पाखु जाइतिले भी आंसर ठीक दे थांते कारण प्रथम दुटा आंसर तो आपण को ठीक लागुथला एटा तो डाउट मोथला कि अन्य आंसर मु जानतिले ठीक थला एबे संधारणी मैडम को मन भितरे टिके टिके तो खुशीटा मुहर पुडला नि ए खुशीटा मु तो चाहिबी दुई गुणित हो पांच गुणित हो एवं ज्ञानगुरु रो उपाधि आपण जितिकि जानतु तेनु पंचम प्रश्न ज्ञानगुरु रो प्रश्न ए प्रश्न रे आपण को आमे गोटे बहुत पुराणा गीतिकारंकर गीत सुनैबो जो गीत को आपण 30 सेकंड सुनि सारला परे आपण को तांकर रचयिता जे लेखि चंती तांको नाम कहिया पई पड़िबो गीतटी आपण मानको सुनि दियो जे आगोदूति आजोराति श्याम प्रीति नोहिला गो आगोदूति आजोराति श्याम प्रीति नोहिला गो आगोदूति आजोराति बहुत सुंदर गीत आपण शुणिथिबे गीतटी को गीतटी हैला आगोदूति आजराति ऑप्शन गुड़ी कहला बनमाली अच्युतानंद सालबेग गोपाल कृष्ण आपण समय आरंभ होबे आगोदूति आजराति गीतटी तो आपण शुणी ता रचयिता हेले सठिक रचयिता ना कहवाई पड़ो बनमाली अच्युतानंद सालबेग गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण को लॉक कर देलु आउ गोटे थर लॉक कर देला परे आमे आउ फिटेई पारिबो कारण चाबी गोटे थर ताला को आमे चाबी पकेई देकी मु कोन चाबीटा को एमती समुद्र भितरु फोपाड़ दिए आ फोपाड़ देले समुद्र भितरु कोन खोजी पाई होबो अनाम सर आपण ए गीतटा को केमती लागिला गीतटा एक्सीलेंट गीत आर रचयिता किए बनमाली आपण कहउछंती बनमाली आउ संध्याराणी मैडम कहउछंती गोपाल कृष्ण ताले दी जण को आंसर लॉक कर दबा आपण को आंसर भी लॉक कर दबा श्योर आज्ञा ताले दी जण को आंसर लॉक कर देलो आमे अनाम बाबू तांकर अध्याय आरंभ करिवे कि नाही सेटा आउ गोटे कथा तेणु मुख्य कथा होला संध्याराणी मैडम ज्ञानगुरु रो सम्मान पाउछन्ते ना नाही एबे अनाम सर ठीक देइछन् ना संध्याराणी मैडम ठीक देइछन्ती किए भूल देइछन्ती संध्याराणी मैडम आपण ज्ञानगुरु रो पुरस्कार पाइबे पंचम आंसर जदि ठीक हबो जदि आंसर ठीक हला ताले पुरस्कार पाइबे एथरो आपण आंसर टिकु भूल दे अनाम सर आपण आंसर टिकु ठीक दे आपण गोटे पहाच आगु को बढ़ी कंग्रेचुलेसन अनाम सर आपण पूरा अध्याय आपण को आरंभ होला पहाच चढ़ा आरंभ होला तेणु आपण पाई रास्ता खोली गला एवं अनाम सर गोटे पहाच आप आगु बढ़िले किंतु जीवा पूर्व पहाच को आगु बढ़िया पूर्व प्रश्न आपन पचार पूर्व यही विषय गुरुदेव को पदे कथा पचार यहाँ टी कष्ट प्रश्न था कहीं कष्ट प्रश्न था यूर जनकर जदि ओडिया साहित्यर धारा संपर्क गोटे धारणा नण कहीपर एवं देखो तो चारिट ऑप्शन आम दे बनमाली गोपाल कृष्ण अच्युतानंद सालबेग अच्युतानंद दास यही रचना लिखी ना तांकर रचनार धारा अलग संपूर्ण अलग सालबेग भी तो एमती सालबेग केवल जगन्नाथंकर भजन एटा होची राधा कृष्ण प्रेम रस सम्बलित रचनाटा तेणु गोपाल कृष्ण भी एमती रचना लिखिछंदी बनमाली भी लिखिछंदी तेणु किए कोटा लिखिछि गोपाल कृष्ण बनमाली ए दिजणक भितरे जदी जणे ठीक भाबरे जानि नथिव एटा बनमाली को रचना बोली से गोपाल कृष्ण भी कहि दबो जोटा संध्याराणी मैडम कहि देले किंतु अनाम आज्ञा से कथाटा को ठीक धरिछंदी से जानी बनमाली को रचना बोली से निर्द्वंद्वर उत्तरटा देले कॉन्फिडेंटली भी देले माने बहुत बहुत माने आत्मविश्वास आत्मविश्वास बहुत जे जानी छी त से ठीक जानी छी हो तनो से ठीक उत्तरटा देले
तेणु ये द्वंद्वटा यहाँ स्वाभाविक द्वंद्व तेणु अनाम सार केवल उत्तर टी दे संध्याराणी मैडम को बंचेदे ठिया कर रखिकी खाता खोलिले सुरक्षा देले जे जेतेबेले अनाम सार आपण परिवार कथा आपण धरिले सेतिबेले आपण जितिबा आरंभ हला तेणु आपण परिवार आपणक सहधर्मिणी आंको कथाटा को सबुबेले आपण मन पकांतु आपण बहुत आगू बढ़िबे माने आगू तो बढ़िचंदे आपण से परिवार को धरिकी सहधर्मिणी मध्ये सामनारे बसिचंदे मझिरे मझे टिके सहधर्मिणी को आपण टिके देखि दउथिले आपण निश्चित भाव आगे आगे कि आप पंचम राउंड क्रस करेंगे किसी असुविधा हम ये आम सामने मैडम बस बस मुहर मत एत खुशी देखिकी सी डिप्रेस टिके मनरे कष्ट आसाला जे स्वामी ठिया आंसर गोटे भी पाक आसुनि ऑप्शन आसुनि से मन दुख था कि आपण अध्याय आरंभ है मुझे चाहिए भगवान को प्रार्थना करी जे आप रास्ता आहरी कुसुमित हो आपण जो पहाच देवे अबिका पहाच चढ़े आहरी सुंदर भाव में चढ़तु तेणु परवर्ती प्रश्न आपण मान आपण पाखु आसीगलु आम बड़ देउळर नीतिकांति विषय केउं सविशेष तथ्य प्रदान करा जाइछि ऑप्शन गुड़िक हला बराह संहिता स्कंद पुराण मादला पांजी सिद्धांत दर्पण आपणक समय आरंभ होउछि एबे मादला पांजी आपण कॉन्फिडेंट अछंती हां मादला पांजी आपण सियोर अछंती आज्ञा आउ थरे मु पढ़ी देबी कि आउ कहला मादला पांजी कन्फर्म मादला पांजी कन्फर्म से कहउछंती जे आउ पढ़िया दरकार नै ऑप्शन आउ मते दबा दरकार नै मु त एते सियोर अछि जे मादला पांजी होउछि कन्फर्म ताले पढ़ुथले ओडिया अनुसार पढ़ुथले पटो ताला को लॉक कर दिया जिवो हां लॉक कर दन ताले लॉक कर दन निश्चिंत भावे प्रश्नटी हेला बड़ देउळर नीतिकांति विषय केउंथिरे सविशेष तथ्य प्रदान करा जायछि बड़ देउळर नीतिकांति विषय केउंथिरे सविशेष तथ्य प्रदान करा जायछि सेथिरे आमे ऑप्शन देइथुलु बराह संहिता स्कंद पुराण मादला पांजी सिद्धांत दर्पण आपण कहिले मादला पांजी मादला पांजी आपण जो आंसर टी कहिले से आंसर टी ठीक आंसर अनाम सर आंसरटा ठीक हो गला आप मैंने पूरा टे रेडीगले पूरा छाती पाती पूरा फुले कि आप रेडी मैं युद्ध अबिका तैयार हो गली आप जब गोटे आंसर आप ठीक देदेवे आपण पाई आध्यात्मिक बहर पुरस्कार जोटा आम पाखे अच्छी आमर गुरुदेव से बहीटी आपंक प्रदान करेंगे जो बही आपण को आध्यात्मिक विषय बहुत कथा आप जापर तेणु आम आरी न करी परवर्ती प्रश्न आपण आरंभ करवा आपण को ही पचार कारण द्वितीय प्रश्न रत्तर आप सठिक गोटे प्रश्न आंसर तो आप छड़े नहीं आउ गोटे आंसर सठिक भाव सीधा सड़क भाव में परवर्त क्वेश्चन है परवर्त प्रश्नटी है नयागड़ शरणकूल कौन पर विख्यात नयागड़ शरणकूल कौन पर विख्यात लड़ूपाई लड़ू बाबा मंदिर रघुनाथ मंदिर ना बेत कम आपण को समय आरंभ हो लड़ू बाबा आपण जा शरणकूल जा देखी लड़ू बाबा मंदिर रघुनाथ मंदिर देखी लड़ू बाबा शुणे जाए लड़ू बाबा लॉक कर दबा आज्ञा लॉक कर दलो मैडम ए प्रश्न टी आपन पाखु फेरिबो ना सेहीपट रही जीवो लड़ू बाबा मंदिर ठीक से हम जाइछु देखिछु चरणगुल आपन जो प्रथम आंसर ना देले ओहो तीन नंबर ठीक कहि देला रे सेंती मन भितर आसीला कि आ कोन तो कहत मु तो अच्छे चार नंबर अच्छी तीन टा कहले तो आहरी अच्छी आहरी गोटे भी आगे अच्छी यही कथा मन भर रहा आंसर ठीक ना नहीं आम देखा
लाडु बाबा को मंदिर पाई ए जो आंसर टी आपण कहिले ए आंसर टी आपण भूल कहि नाहते ठीक कहि जंती ऑन आंसर जेतेबेला आंसर ठीक हुए आपण टिके एमते अंटर टिके हाथ मारी एमते कर दियंती नहीं यार मो बेले टिके एथर भी हे जे डिफरेंस व्हील पार्टा बढाई मारे नहीं एथर टिके आपण आउ थर टिके मारी के हे जों एटा भारी बढिया लागु छी आपण एई जो या सहित एमते ठिया हबाटा जेमती लागु छी जे युद्ध हला बेले अस्त्र शस्त्र को एमते धरि के जड़े एमते बाहर करे बुरे दि के ठिया जो सेमती लागु छी बहुत सुंदर आंसर देचंदी आपण जानि छथी 3 नंबर आंसर जदी ठीक हुए ताले कोन पांती आम पाखे आध्यात्मिक बही अच्छी आध्यात्मिक बही आपण पाई सारी चंती जीती सारी चंती ये खाली मैडम आध्यात्मिक बही पाई सारी चंती सी मध्य माने चारिटी आंसर ठीक देचंदी सी अपेक्षा करचंदी केतेबेले आपण पाखुर सेठी के आसीले जीति जीति जीवे किंतु आपण को मु अनुरोध करबी काय नियंत एते किछ अभिते ना एबे दीटा क्वेश्चन आंसर होची ठीक दाव पड़िबो किंतु आ परे आम क्वेश्चन जटिल होबा पई जाउची ताले पचारीबा हम पचारम परवर्ती प्रश्न अष्टादश पुराण मध्य रे म अक्षर को नेई केतोटी पुराण रचना करा जाइछि ऑप्शन सुनी दियंतु 2टी 3टी 4टी 5टी समय आरंभ होला एबे प्रश्न पचारि दउछि अष्टादश पुराण मध्य रे म अक्षर को नहीं केतोटी पुराण रचना करा जाइछि 2टी 3टी 4टी 5टी 2टी आपण भाभी कहउछन्ति आपण पाखरे समय अछि आउरी समय अछि डाउट रे कहउछि आपणक आंसर टी को मु लॉक कर देबी ताले लॉक कर देली ओके हमर प्रश्न थिला अष्टादश पुराण मध्य रे म अक्षर को नहीं केतोटी पुराण रचना करा जाइछि आमे आपन को पचारथलो 2टी 3टी 4टी 5टी आपन आंसर देइछिन 2टी कोन ए डाउट तो रहउ छी आपन ठीक लागु छी मैडम आपन को कोन लागु छी भूलै छी आपन भूल बोली कहउछन ना ताले ठीक आंसर ता कोन लागु छी आपन 4टी आपण जो 4टी आंसर कहचंदी ता आपण भूल कहचंदी से ठीक कहचंदी अनंत बाबू 2 जो कहचंदी आपण ठीक कहचंदी आपण चतुर्थ आंसर ठीक कह देचंदी दी जण समान कहचंदी एबे समय आसी गला पूणी आमे टे गीत सुनिबा मधुर गीत सुनिबा जो गीत आमुकु तो मजा दबो किंतु आपण को मन भितरे किछि प्रश्न उंकी मारिबो तार रचयिता किए तार रचना किए करचंदी तार आंसर दबा पे पड़िबो तेणु आम गोटे सुंदर गीतटे आपण शुणाऊ अनुरोध करी क्यू मेम्बर को से गीतटे शुणी दिंतु पंचम क्वेश्चन गोटे गीत पचरा गीत शुणा तार सठिक आंसर आपन को कह पड़ तार रचयिता किए ताले क्यू मेम्बर को अनुरोध करी गीत शुणा आजो तो बेस बड़ तोरा आजो तो छपी बड़ आजो तो छपी बड़ तोरा रे श्याम गोरा आजो तो बेस बड़ तोरा रे श्याम गोरा आजो तो बेस बड़ तोरा बहुत बढ़िया गीत आपण शुणिले याकु गाइछन्ती एथरे कंठदान करछन्ती जे से होछन्ती चरण बहुत सुंदर सिंगर आज तो बेस बड़ तोरा तोरा माने सुंदर आज तो बेस बड़ तोरा आपन को कह पड़ तार रचयिता किए मु ऑप्शन दूची आपन को बनमाली वीरकिशोर देव उपेन्द्र भंज सालबेग आपण समय आरंभ होउथरे कहीदी आज तो बेस बड़ तोरा तार रचयिता किए बनमाली वीरकिशोर देव उपेन्द्र भंज सालबेग ए चारि जण भितर जण को आपन को आंसर देबा पई पड़िबो जण को ना कहिया पड़िबो उपेन्द्र भंज उपेन्द्र भंज उपेन्द्र भंज आपन होची कहिले ताकु लॉक कर दिया जिवो आज्ञा कवि लॉक कर दिया जिवो आज्ञा करू तीन थोर पचारबी लॉक कर दिया जिवो लॉक कर दिया जिवो लॉक कर दिया जिवो लॉक हे गला मैडम आपन को सेम प्रश्नटी पचारबी
जेहेतु एटा पंचम प्रश्न जन को लॉक कर सारा पर आपन को पचारू आपन जदि सठिक आंसर दे देबे ताले कौन हम कहत ज्ञानगुरु 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 उपाधि आपन पाई जिवे ताले कहतु सठिक आंसर सठिक आंसर टा आपन कौन कहते कहतु उपेन्द्र भंज उपेन्द्र भंज ताले सी भी उपेन्द्र भंज आपन भी उपेन्द्र भंज आपन कहते उपेन्द्र भंज ताले आपन को आंसर भी आम लॉक कर देलु सर आपण कहले उपेन्द्र भंज मैडम आपण आउ गोटे अलग कथा भी कहीपार कारण आपण पाखे ऑप्शन थिला कारण सी जदि ठीक कही था ताले तो ज्ञानगुरु उपाधि से पाई था जदि सी भूल कही आपण ज्ञानगुरु जब सामान आंसर कहते तो भूल मान तो भूल भी आपण आउ गोटे अलग कही सी जदि भूल होता ताले आपण ज्ञानगुरु उपाधि नहीं जाते यही जगह आपण मुंड टिके व्यवहार कर तेणु उपेन्द्र भंज दीज जेहेतु मुझे आशेषकर मुंड पुरेबी ना उपेन्द्र भंज जेहेतु बहुत बड़ रचयिता तेणु से कथार मुझे विषय को न जाकि सीधा साल भाव जो सठिक उत्तर अच्छी सठिक उत्तर हूँ उपेन्द्र भंज रुहति सी हूँ साल बेग से मैडम मु कहली जदि आपण आउ गोटे नाटे मन को साल बेग नाटे कही ताहले निश्चिंत भावे फल उल्टा होता जहाँ भी हो आम पाखे दीज अच्छा दीज जाक बहुत बढ़िया खेलले अनाम सार एवं संध्याराणी मैडम आप दीज जाक बढ़िया खेलले दीज जाक दीज आप आध्यात्मिक बही पुरस्कार पाँच तेणु मुझे अनुरोध करी आप मंच मधिक आसतु गुरुदेव को अनुरोध करी सीए मंच को आसतु जेहेतु संध्याराणी मैडम तीन टी आंसर ठीक दे थिले आउ गोटे आंसर ठीक दे थिले चतुर्थ चारिटी आंसर ठीक दे थिले एवं अनाम सार चारिटी आंसर ठीक दे थिले से माने आमर आध्यात्मिक बही पाइबार योग्य तेणु मु संतोष सार को अनुरोध करी आपण दी जन को आध्यात्मिक बही पुरस्कार दिं प्रथम संध्याराणी मैडम आसतु अनाम सर आसन उभय विदाय नवा पूर्व मु गोटे कथा कहिबी कारण एते चमत्कार भाव में आपण प्रश्न रो उत्तर उडा सब देदेले शेष प्रश्न रो उत्तर टा एते कष्ट नथिला आपण अष्टादश पुराण रे म अक्षर रे केतटा पुराण अछि आपण दुइग बोली कहिदेले मार्कंडेय पुराण मत्स्य पुराण किंतु ए जो सालबेग रचना करिसेंते गीत याकु कहि पारलेनी मु भाबिली जे आकर भाग्य रे नाही कारण कष्ट प्रश्न उत्तर दूसरी सहज प्रश्न उत्तर दे पारे एवं माने से ज्ञानगुरु उपाधिटा पाखापाखी आसी जाइला शेष मुहूर्त केमती आपको प्राप्ति ना कौन कर दुखित पुणी आउ थे भाग्य भी दिए ना कि भाग्य साथी हो तो अंत आध्यात्मिक पुस्तक पाई भाग्य को निंदा करवा ना तेज इतनी आम प्राप्ति भाव पुणी आउ थे मंच में देखा हाँ बहुत सुंदर लगला दीज जाक एत बढ़िया खेलिले सतरे हृदय को जीतीगले सहित मन को जीतीगले ज्ञानर भंडार ज्ञान को एत बढ़िया भाव से माने सामनार रखिले बहुत बढ़िया लगला यही तो मुझे कहे दिन सरु राति सरु किंतु जहा के सरेना सी हूँ ज्ञानगुरु ज्ञानगुरु सीजन टू दर्शक बंधु आपण मैंने देखिले आ पूर्वर दीज जी आम सहित थिले से माने बहुत बढ़िया खेलले सी हूँ संध्याराणी मैडम एत बढ़िया भाव में खेलले अनाम सार सी बढ़िया भाव खेलले से माने आमर आध्यात्मिक बही मध्य जितिकिना गले हाँ चारि चारटा आंसर से माने ठीक दे लास्ट आंसरटा से माने बेले बेले भाग्यर न थाए ठीक अच्छे जेपर्यंत गले से पर्यंत बहुत बढ़िया खेलले एबे
आउ दुई जन अछंती प्रतियोगी सी आसिक आम सहित सामिल हेबे आम सहित खेलिबे देखिबा से माने केते बाट जाउचंती से माने ज्ञान गुरु रो पुरस्कार एठु नेकि जाउचंती कि नाही। प्रथमे हमें स्वागत जणिबा डॉक्टर लेखा दास सी भुवनेश्वर आछंती आसन मैडम आसन। डॉक्टर लेखा दास कौथरे डॉक्टर मेडिकल ना लेखा लेखि प्रोफेशनल कौथरे ओडिया साहित्य रे ओडिया साहित्य रो आधुनिक साहित्य पुनर्बार कहबा को चाहे गोपीनाथ महंतिंकर उपन्यास ऊपर वाह बहुत सुंदर किछि कविता मन अछि कविता नहि उपन्यास ओ उपन्यास सॉरी हां अछि अमृतर संतान परोजा हरिजन आदिवासी बहुल अंचल को नै से बहुत गुड़े उपन्यास लिखिथिले कारण होची से सेठी प्रथमतः सब डिप्टी कलेक्टर हिसाब रे सेठी नियुक्ति पांती प्रथमे आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होला परे सेठी जो कोरापुट रो आदिवासी बहुल अंचल से आदिवासी बहुल अंचल रो सरव शांत कंध कुल्ह परजा व्यक्ति मान को नै कि संप्रदाय को नै कि तांकर एकात्मता बढ़ी उठी छी आपण आपण किछि आपण किछि लेखा लिखि चंदी कि मु सेठी थिली अच्छा 25 वर्ष रही कोरापुट नवरंगपुर रे तेणु मोर टिके अहेतुक ममता से प्रति जागी उठिला जहाद्वारा कि मुझे गवेषणा करने इच्छा प्रकाश कली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज आप आध्यात्मिक ज्ञान ये आम मानक बिंचीदे तेणु आपण पाखे जो आध्यात्मिक ज्ञान अच्छे आम परखी ना एवं आपण को अनुरोध करी आपण निज स्थान को जातु बंधुगण एवं जी परवर्ती प्रतियोगी आम पाखंड सी हूँ दिनेश मल्लिक सी जाजपुर आखिरा आध्यात्मिक ज्ञान के अनुरोध करी दिनेश मल्लिक को मंच पर आस दिनेश बाबू नमस्कार नमस्कार कौटी जाजपुर कौट रोच्च जाजपुर मोर घर जाजपुर जिलार बिंझारपुर ब्लक अंतर्गत बांगरा गाँ गोटे अच्छी पंचायत से छंदरण मोर घर आ विशेषकर ज्ञानगुरु कार्यक्रम आम प्राय देखिकी अनेक कथा शिखुचु प्राय बापा जेजे प्रार्थना चलता ये डिमांड हो किसी पुराणा कथा को भूली जाऊला बेले ये मन पकई दे प्रार्थना चैनल तापर सब बड़ कथा जे सांतन सारे आप जेहेतु गोटे आपण को चलचित्र जगत रूप आरंभ कर सबुठी पिलाबेळु आम देखीछु आ सांतन सार तो मुझे पिलाबेळु रेडियो रे पास करथिल सांतन सार डायरेक्टर थिले अच्छा आ तेणु ये गोटे एम संजोग ज्ञानगुरु कार्यक्रम आम अभिनव प्रयास जो प्रार्थना चैनल करिछे आम ता भितरे ज्ञान तो निश्चित भाव आम जानिबू अनेक भी शिखुचु आपण कौन करछन्ती मु प्रोफेशनल म्यूजिक कंपोजर आ बढ़िया ताले आज किछि गीत भी शुणिया को मिलिबो आज्ञा ताले निश्चित भाव में आप किसी नुआ कथा भी शिखु नुआ कंपोज भी शुणु गोटे ज्ञानगुरु भी आनी कंपोज गोटे लिखिक गोटे मुख निश्चित भाव में आम हूँ शुणु कारण आम अध्याय जिते बड़े चलो मुझे आशा करी आप आगु आगु बढ़ु एवं आगु बढ़िया भितर आम से गीत भी आपण शुणु आप स्थान को जा बढ़िया बंधुगण दर्शक बंधु आम पाखे आमर दीज प्रतिजोगी आम पाई आम पाखे गुरुदेव अच्छा ताला डेरी कहीं करवा जल्दी जल्दी आम प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आरंभ करदे चलतु दर्शक बंधु आम पाखे दीज प्रतिजोगी आसिक पहुँचगले डॉक्टर लेखा दास आ दिनेश मल्लिक भाई अच्छा तेबु तेणु आरंभ करवा पूर्व नियम भली आपण मानक कहीदेव आपण मैंने तो समस्त जानते आमे माने आपण को पांचटा प्रश्न पचारि से तीन टा प्रश्न आपण पाखे जदि ठीक आंसर देबे ताहले आपण आध्यात्मिक बही उपहार पाइबे पांचटा प्रश्न पर आपण ज्ञानगुरु हो जाए आ बहुत बढ़िया कथा तेणु आम से पर्यटन जीवाई हेले आमको प्रश्न उत्तर कार्यक्रम बाट देक जीवाई पड़ो तेणु प्रथम प्रश्न मुझे पचारि से प्रश्नर उत्तर आपण बजर उपर आंगुठी रखिए वो प्रश्न सर पूर्व जी बजर दबेदेव तार हूँ डिस्क्वालीफाइड हो मैंने सी आंसर देवा योग्य होनी जी बजर पर बजे थे भी सी हूँ आप्रूव होगापी योग्य होजे तेणु बजर उपर आंगुठी रखिथे मो प्रश्न सर मात्रे के सी हूँ बजर बजेबे तापर ऑप्शन दिजिव ऑप्शन को आपण मैंने शुणिकी तापर कहे जदि आप ठीक कहले तार आगू बढ़े जदि भूल कहे से आंसर टी हूँ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଦି ଭୁଲ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଖେଳିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଗୁରୁର ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବା, ବଜର ଉପରେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ? ଦିନେଶ ଭାଇ, ଦିନେଶ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ବଜରକୁ ଦବେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଜର ଦବିଥିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ସତ୍ୟଯୁଗ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଉଛି, ମହାବିଷ୍ଣୁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ? ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ, କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଗରେ? କେଉଁ ଯୁଗରେ? ସତ୍ୟଯୁଗ। ଲକ୍ କରିଦେବା, ଲକ୍ କରିଦେବା, ଲକ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ଜୋର ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗ ଲକ୍ କରିଦେଲୁ, ଲକ୍ କରିଦେଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ବାମନ ଅବତାର ହେଲେ? ଆପଣ କହିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆପଣ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେଇବି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେଇବେ। ମୋ ଇଚ୍ଛାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାମନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କଥା, ଟିକିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାମନ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଟି ଅବତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛ, ବରାହ, ବାମନ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତ ଏଥିରେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବୟବ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ବାମନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବଳି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପାତାଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ବଳିଙ୍କୁ ସିଏ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ବଳିଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ସେୟା ନୁହେଁ। ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ବଳି ଏଭଳି ଦାନଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅତି ଦର୍ପେ ହତା ଲଙ୍କା, ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା, ଅତି ଦାନେ ବଳିବଦ୍ଧ, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତ। ଏବଂ ଯାହା ବି କରିବ ତା'ର ଶେଷ ସୀମାକୁ ଗଲେ ଅତି ହେଇଗଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଖରାପ, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବଳି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦାନର ଆଉ କିଛି ସୀମା ରହିଲାନି, ସେ ନିଜକୁ ବି ଦାନ କରିଦେବେ, ସବୁକୁ ଦାନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଦାନରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଦାନ କେତେବେଳେ ଦେବ, କାହାକୁ ଦେବ, ଦାନର ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର, ସମୟ, ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବିଚାର କରିକି ଦାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ପାରୁ ତାହାକୁ ଦାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଳି ଅକାତରରେ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଜଣେ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ପଠାଇବାର ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଦାନ ଦେଇକରି ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଜଣେ ଦାନଶୀଳ ରାଜା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦାନ ମାଗିବା ଭିତରେ ସେ ତ ସବୁ ଦେଲେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱଟା ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଘଟଣା ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଦିନେଶ ଭାଇ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଦେବା। ସାର୍, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ରାଜା ବେଶ, ରାଜା ମିଥୁନ, ରାଜା ମିଥି, ରାଜା ମିଥିଳେଶ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ। ରାଜା ବେଶ, ରାଜା ମିଥୁନ, ରାଜା ମିଥି, ରାଜା ମିଥିଳେଶ। ରାଜା ମିଥି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଜା ମିଥି, ରାଜା ମିଥି, ରାଜା ମିଥି। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରାଜା ମିଥି। ଲକଲି, ଲକଲି, ତିନି ଥର ପଚାରିବି, ଲକଲି, ଲକ୍ କରିଦେବି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣ କହିକି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥାଟେ। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଭୁଲ ଆସୁଛି, ଆଉ କେଉଁଟା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ମିଥି।
राजा मिथि तांकरी नामरे मिथिला नामकरण करा जायछि। मते भी लागुछि ठीक आपण राइट आंसर देइछन्थि। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दुटा आंसर लगातार आपण ठीक देइछन्थि। आउ गोटे आंसर ठीक जदि दे देबे ताहले आध्यात्मिक बही आपणक पाखुकु चली जिवो। भाभी चिंती खेलिबे बहुत बढ़िया खेलुछन्थि। हाँ आपण जो कंपोजिशन कथा कहुथिले सर सुंदर कंपोजिशन आपण करन्थि कोन माने टेबल बाड़े करन्थि ना हारमोनियम बजे करन्थि ना गिटार बजे करन्थि आपण को म्यूजिक को आपण बजे करे। हारमोनियम रे मु स्वर करिछि। अच्छा प्राय ऑल इंडिया रेडियो मु स्वीकृत प्राप्त कंठशिल्पी। वाह बहुत बढ़िया। ता सहित ओडिसा रे एमिति के आर्टिस्ट नान जे मु डायरेक्शन बोल नान म्यूजिक डायरेक्शन हाँ समस्ते बोलुछन ओडिसा रे के भारत वर्ष रे अनुराध पडवाल अनुप जलटा सूर्य सरकार मो घर एक्चुअली मु पार्ट टाइम टीचर भाव नवघन मंथ मैदर में चाकरी करे। वाह तेणु जेहेतु भुवनेश्वर मुझे कम रुए जावास करुच्ची मोर प्रफेसन म्यूजिक कंपोज। आह बढ़िया बढ़िया। ताहल तो निश्चित भाव में तो कहबी जे आपण गीत न शुणी तो मुझे आपको छाड़बी सर आउ दर्शक बंधु मैंने तो निश्चित भाव चाहिए जे आप गीत शुणापी तेणु पदे गीत हो जाओ गोटे गीत जेहेतु ज्ञानगुरु को आ ज्ञानगुरु गोटे गीत मुझे लिखी थी लेखाटी मोर सहपाठी नलीन प्रभा दास मैडम लिखी थे मुझे गोटे ज्ञानगुरु गोटे गीत कंपोज करके निश्चित भाव शुणा हो जाओ। भक्ति ज्ञान कर्म तीन गोटी जोग ईश्वर प्राप्ति पाई हेले गुरु बिना एई तीन जोग सफल हुई नाही ईश्वर कृपारु मोर तो भूई रे मिली थांती श्री गुरु ज्ञान रो आलोक उधरंती जी से परम ज्ञान गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान गुरु ज्ञान गुरु। बहुत बढ़िया। मनटा पूरा शांति हो गला मनटा पूरा हल्का हो गला माने बेले बेले किछि कथा जेतेले गीतटा सुर रे लागे सर सेतेबेले आमर भीतर जो भलो सिंगर आम भीतर जो सात सुर अछि सिए भी झनकार दबा आरंभ ना मोर गोटे कंपोजिशन अछि सीतम भाई गायब बोली मुझे कंपोजिशन को रखी सीतम भाई जन भल कंठशिल्पी बोले किए जानी थी ना जानी किंतु अनेक गीत सीतम भाई भल गाई पारती तांको खूब शीघ्र मोर गोटे कंपोजिशन अछि भगवान को इच्छा जमती सबु जिनस होची आगुरु लेखाई रही तेणु से समय भी आसिले भी देखा तेणु आम डेरी न करी परवर्ती प्रश्न पचारिद कारण तृतीय प्रश्न आपण को आध्यात्मिक बही जितेब तेणु मु तो अनुरोध करी भाभी चिंतिक आंसर देवे हाँ तेणु आम तृतीय प्रश्न है महाभारत अनुसार सुभद्रा और उत्तरा मध्य संपर्क कौन थी अपसन कहीदे अपसन है दुई जा दुई संघात सासु बहु ए समस्त उत्तर भूल आपण को समय आरंभ हो ऑप्शन कहीदेवी सासु बहु। महाभारत अनुसार सुभद्रा और उत्तरांकर मध्य संपर्क कौन थी आपण कहले सासु बहु सासुबहू को लॉक कर देबी ना मैडम आपन कोन लागु छी एटा डाउट रे अछि आपन भी डाउट अछि ताले आपन तो डाउट अछि से भी डाउट अछि ताले आपन पाखु मु काई जेबी ताले दिनेश भाई जो डाउट आंसर दै छथि से आंसर टी ठीक अछि। अरे दिनेश भाई आंसर टी ठीक अछि आपन मुरे हस नै मैं डरी गली मु काले डाउट रे मैडम भी मना कले मैडम जने माने ज्ञानी लोक दर्शक बंधु समत हो गलानी जीवापी तो इच्छा होनी इच्छा जे एमती भाव में प्रतिजोगिता चली था सेमती भाव में आम शांतनु सार मुहर जहा जहाँ कथा बाहर अमृत बाहर ताकू आम शुणु था जी ज्ञान आम पाऊ से ज्ञान को आम अन्न मान पाखे बांटू आमर पर जेनेसन मान जो मैंने आग आग पीढ़ी पूर्व पीढ़ी समस्ते कथा को जानतु आम संस्कृति आम परंपरा को आमे माड़ी बसिक धरू आम परंपरा आधार रे जो जो कथा को आधार करी पूर्व देशर लोक मैंने आम कथा को देखिकी आगू जावाप चाहूँ
ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରିବା, ମାଡ଼ି ବସିବା, ଏଇ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ସାରିବା, ସେଇ କଥା କହିବି। ଦିନ ସରୁ, ରାତି ସରୁ, ଜହ୍ନ ଫେରୁ, ତାରା ଫେରୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କେବେ ସରେ ନା, ଯାହା କେବେ ଫେରେ ନା, ସେହି ଆମର ଜ୍ଞାନଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ସିଜନ୍ ଟୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ପୁଣି ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ଆମ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ସାର ଅଛନ୍ତି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।